आप एक और मालगुड़ी बना सकते हैं मैं वो नहीं बना सकते 85, 86 में हमको पता भी नहीं था कि इतना बड़ा होने वाला है या इतना रिच होगा इस काम का मिस्टर आर के नारायण वो स्ट से मैं बहुत अच्छा किया उनका माइंड में जो स्वामी था वो मुझमें दिखे ये एक्स्ट्रॉडनरी कॉम्प्लीमेंट था तो छत्तीस साल के बाद मालगुडी डेज के बारे में बात करना कैसा लगता है बहुत खुश होता है क्योंकि बहुत खुशी होती है क्योंकि एक प्रोडक्ट जो है एक वर्क हमने जो किया है आफ्टर थर्टी फाइव स्टिल वो रेलेवेंस रखता है छोटे बच्चे जो अमेज़ोन में देखते हैं या किसी और ओ में देख के जब वो मुझे पहचानते हैं या मुझसे बात करते हैं इतना खुशी होता है कि एक एक इतना एक अच्छा काम किया है हमने ऑन ऑन हाइंडसाइट एटी फाइव एटी सिक्स में हमको पता भी नहीं था कि इतना बड़ा होने वाला है या इतना रीच होगा इ इस काम का तो बहुत बहुत खुशी होता है एंड ऑफ़ कोर्स ऑल क्रेडिट गोज टू माय आवर डायरेक्टर मिसटर शंकरनाथ लेट मिस्टर शंकरनाथ एंड कोर्स मिस्टर आर के नारायण हु इज़ राइटिंग पेव्ड दी काइंड ऑफ फाउंडेशन जो चाहिए था इतना अच्छा काम के लिए वो आ, उन इन दोनों को क्रेडिट चाहता है तो पहली बात ये बताइए कि शंकर नाग जी आपका आपको क्यों उस रो स्वामी के रोल में कास्ट किए थे एक्चुअली uh, बैकग्राउंड uh, ये है कि उससे पहले मैं अराउंड ट्वेंटी थ्री फिल्म कनाडा फिल्म कर चुका था और उसमें uh, तीन या चार फिल्म शंकर नाग के साथ ऑलरेडी मैं एक्ट कर चुका था तो हमारा उनका मेरा और उनका जो केमिस्ट्री था जो अंडरस्टैंडिंग था और उनके मन में क्या चाहिए मुझसे कैसा एक्टिंग uh, चाहिए कैसा एक्सप्रेशन चाहिए ये uh, क्या वो uh, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था एंड ऑफकोर्स uh, उनको ये कंसर्न था एज यू कैन नो मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ हिंदी बात करने में तब तो मैं एक शब्द भी नहीं जानता था तो uh, सबको कंसर्न था कि ये बोल पाएगा वो इंग्लिश में भी बोलना है इसको दोनों में एक्टिंग करना है कर पाएगा मगर शंकर नाथ जी ने विदाउट एनी डाउट वो बोले नहीं नहीं ये सीख जाएगा करेगा और नॉट ओनली डिड आई एक्ट वो डबिंग भी मैंने ही किया है तो आपको बहुत वो साउथ इंडियन एक्सेंट आप सुन पाएंगे अगर मेरा बात आ, सुनेंगे तो मगर उनका कॉन्फिडेंस जो था वो मुझे उतना यू नो मेरे ऊपर जो कॉन्फिडेंस था आई हैड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू एंश्योर दैट दैट वर्क इज ऑफ दैट क्लास तो आप हिंदी कैसे सीखे जब आप डबिंग जब नहीं जब शूटिंग आ, आ, कर रहा था तो उससे पहले वो हिंदी में वो मुझे डायलॉग बताते और फिर कनाडा में उसका अर्थ बताते फिर बाद में लकीली हिंदी एंड कनाडा हैज़ द सेम संस्कृत बैकग्राउंड सो द पॉजेस वेर द सेम प्लेस सो आई हैड टू वो लर्न करके फिर रट के फिर बाद में बात करना और फिर इंग्लिश में इंग्लिश में प्रॉब्लम होता था क्योंकि वो ग्रामर कॉमा सब उल्टा तो फिर स्ट्रगल करके वो बात करना इन बिटवीन दिस आपको वो शॉर्ट एक्सप्रेशन किस तरफ देखना है किस लाइट को फेस करना है ये भी यू नो दिमाग में रखना था तो आपको जब, जब शूटिंग चल रही थी तो आप एक शॉट देने के लिए क्या लैंग्वेज के वजह से आप रिपीट करते थे शॉट्स या नहीं सो so, ये इंटरेस्टिंग है तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शंकरनाथ जी वो ऐसा वो माहौल बनाते थे या हम इतना रिहर्सल्स और इतना प्लानिंग करते थे क्योंकि उस समय हमारा ये टेलीविजन का कैमरा नहीं था सो so हम क्या शूट किया वो सब फिल्म कैमरा में शूट किया तो यू कॉन्ट अफोर्ड टू वेस्ट नेगेटिव यू नो वेरी एक्सपेंसिव तो वी वुड प्लान अ लॉट लॉर्ड ऑफ रिहर्सल्स मैक्स टू मैक्स दो तीन टेक होते थे मैक्स टू मैक्स मतलब शूट करने से पहले आप रिहर्स बहुत बहुत रिहर्स करते थे तो वो एक्चुअल फिल्म वेस्ट नहीं करते थे और आ, सुबह या शाम को कुछ बैठ के डिस्कस करके कल ये सीन कर रहे हैं तो इसमें चैलेंजिंग क्या है अगर लंबा डायलॉग है तो कैसा इसको अप्रोच करेंगे क्या टाइम चाहिए सब प्लानिंग करके करते थे तो वी डेंट हैव द लग्जरी ऑफ वेस्टिंग सिनेमा रील इन दोज डेज सो एंड एन एक्टर इज ओनली एज गुड एज हाउ गुड ही इज़ एक शॉट में किया दो शॉट में किया अच्छा है तीन चार लगे तो अच्छा नहीं है साइकिल मारता है उसको नेक्स्ट फिल्म काम ना काम नहीं मिलेगा तो वी हैड टू बी रियली रियली गुड एज एन बहुत ही पक्का होना था सो हमको अगर ये बोल दिया कि कल आप दस पेजेस डायलॉग बोल रहे हो खतम मेरा का कॉन्फिडेंस खत्म टेंशन वो गल वो करना है नहीं 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 कल सुबह फर्स्ट शॉट क्या है उसमें क्या डायलॉग है उतना फोकस करो बस सेकेंड शॉट में जो लाइटिंग वाइटिंग होता था बस उतना है आपके साथ कैसे थे शंकर नाग जी मतलब क्या आपके साथ कभी कभी बहुत सारे पिक्चर्स हैं फोटोग्राफ्स हैं जिसमें वो बहुत प्यार से, आप से आपको खंधे पे उठा के फिर रहे हैं मगर उसके अलावा कभी क्या आपसे वो चिढ़ गए थे या नाराज़ हो गए थे कभी नहीं कभी नहीं तो ये आ, आ, मुझे आ, आज मेरा एक बच्चा है वेदांत करके वो आ, दस साल का है बारह ग्यारह साल का है उससे काम करवाने में छोटा छोटा घर का काम करवाने में इतना तंग हो जाता हूँ मैं अभी तो अभी वो उनका वैल्यू अभी पता लगता है कि हम दस बच्चों से कैसा ये काम निकलवाया तो उनका जो वेरी यूनिक अप्रोच था वो डायरेक्ट नहीं करते थे वो हमको ऑर्डर uh, नहीं करते थे समझाते थे वो हमारा भाषा हमारा थॉट प्रोसेस हमको कैसा वो यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिक्वायरमेंट वाज जब वो पता लगता था तो बाकी सब एक्सप्रेशन या हमारा जो कंफर्ट लेवल था वो इजीली आ जाता था वो नेचुरल वो जो नेचुरल वो इतना नेचुरल एक्ट किया था इतना नेचुरल एक्ट किया फुल क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि हमको ये नहीं कहा गया कि मैं डायरेक्टर हूँ तुम इतना करो बस बाकी मत पूछो क्यों कर रहा है क्या कर रहा है नहीं वो हमसे बैठ के अभी देखो स्वामी इसका प्रॉब्लम ये है इसको पैसा चाहिए तो वो भगवान से पूछ रहा है अगर तुम स्वामी होते तो कैसे पूछते या उसको आप ये, आ, ये आपका फ्रेंड सोमो वो तुमको डांट दिया तो तुमको इ, इफ वो यू नो इन, इन रियल लाइफ में अगर वो तुम्हारा फ्रेंड ऐसा कह, कह दिया तो तुमको कैसा लगेगा सो so, वंस ये सर में बैठ गया ना तो बाकी सब बहुत ईजी होता था माई पर्सनल रिलेशनशिप विथ वॉज विथ इम वॉज एक्स्ट्रॉडनरी आई मीन बहुत जन पूछते हैं कि फादर सन का एक यू नो रिलेशन है या कैसा था मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वो वो क्लीशेड स्टेटमेंट है फादर सन नहीं वो था एक फ्रेंडशिप एक का क्योंकि वो समझ पाते थे मैं उनको समझ पाता था और कभी भी मुझे ये नहीं महसूस होने दिया कि वो बड़े हैं एज में बड़े हैं स्टार में बड़े हैं वो बहुत कर चुके हैं नहीं उनके साथ जब मैं था मैं उनसे कुछ भी बात कर सकता था और वो मुझसे कुछ भी बात कर सकते हैं ऐसा लिमिटेशन नहीं हो बड़े कि ये क्या समझ लेंगे अगर मैं बोल दिया तो अगर ये शॉर्ट हो रहा है मैं यू नो वी ऑल और किड्स हमारे को फ्रीडम होता था कि पूछने में अंकल ये क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टर नहीं नहीं ऐसा क्यों नहीं कर सकते क्योंकि ये रीज़न के लिए तो इतना वो पेशेंस इतना अंडरस्टैंडिंग एक दो बार मैं जा थक गया कभी भी गुस्सा नहीं गुस्सा तो कभी भी नहीं ये मैं तो कॉन्फिडेंस नहीं हंड्रेड एंड टेन परसेंट कैसा गुस्सा तो कभी नहीं अगर एक दो बार आई वॉज वेरी टायर्ड वो रियलाइज़ किया उन्होंने उन्होंने कहा अरे यार मैं तुमको एक नॉर्मल एडल्ट एक्टर की तरह यूज़ कर रहा हूँ ट्वेंटी डेज शूटिंग कर चुके हैं तो सुबह uh, सुबह दस बजे पैकअप कर दिया हम सबको लेके गए मल पे बीच लेके गए आराम से खेले कूदे जो भी वो टायर्डनेस था सब चला गया नेक्स्ट डे शूटिंग तो वो इतना सेंसिटिव थे हमारे नीड या हमारे मूड या हमारे नेसेसिटीज uh, जो थे वो वो समझ पाते थे इसीलिए मैं कहता हूँ वो uh, क्या बोलते हैं ए, ए, एक एल्डरली फ्रेंड थे मेरे राधर देन अ डायरेक्टर और बिग स्टार तो आपकी जो मालगुड़ी डेज जब शूटिंग हो रही थी तो आप उस वक्त आपके सबसे बड़े अच्छे मोमेंट्स क्या थे? एक वेरी इंटरेस्टिंग बात है कि होल प्लेस शॉट मालगुड़ी इज नथिंग बट आगुम्बे आगुम्बे करके एक प्लेस है कर्नाटक में आ, उड़पी के पास हम उधर शूटिंग कर रहे थे उधर आप कैसे भी ढूंढ लीजिए एक सिक्सटी सेवेंटी हाउसेस मिलते हैं उससे बड़ा नहीं है वो गाँव बहुत ही छोटा गांव है बहुत ही प्यारा गांव है और और एंटायर गांव में एक ही एक ही टेलीविजन सेट था एक ब्लैक एंड वाइट टीवी। आगुंबे आगुम्बे जो है वो है किंग कोबरा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड सो उधर साधारण जो स्नेक्स होते हैं वो कहीं भी मिल जाते हैं आपको स्पेशली विंटर में आपको उसको सब ग्रिल्स विंडो ग्रिल्स में वो ऐसा लिपटे हुए लगता है कोई कुछ नहीं करता वो दे माइंड देयर ओन बिजनेस यू माइंड योर ओन बिजनेस बिकॉज वो रैट्स you पकड़ते हैं कोई उससे कुछ नहीं मगर जब वो भागते हैं किस तरफ वो भाग रहे हैं ना आपको कहा जाता है उनके साथ भागो क्योंकि वो कोबरा उस तरफ आ रहा है <laughs> <laughs> वो 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 जब कहा जहां स्नेक जा रहा है ना उससे ऑपोजिट मत भागो जिधर भाग रहा है उसके साथ भागो क्योंकि इस तरफ वो आ रहा है बड़ा वाला आ रहा है तो आप मालगुडी डेस दस साल की उम्र में तो पढ़े नहीं होंगे जब मैं इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट बना आर के नारायण साहब का वैल्यू पता चला तब एक भय आया मुझे अगर मैं पढ़ूंगा तो डेफिनेटली आई बी डिसअपॉइंटेड विद वॉट आई एटलीस्ट दो, oh, uh, मैं बहुत अच्छा किया उनका माइंड में जो स्वामी था वो मुझ में दिखे ये एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉम्प्लीमेंट था मगर आज भी मुझे एक वरी है अगर मैं स्वामी एंड्रेंड्स पढ़ूंगा तो शायद मुझे ये लगेगा कि मैं स्वामी का किरदार और अच्छा निभा सकता था तो आज के आज की दुनिया में अभी इसका रिलेवेंस क्या है मालगुड़ी डेज की किताब का सबके अंदर एक स्वामी है उनका फ्रेंडशिप उनका जो चैलेंजेस है उनका आ, क्या उनका टीचर से डांट नहीं पड़ने का या पिताजी से डांट नहीं पड़ने का या माँ से एक्स्ट्रा कुछ खाना खाने का दे कीप ऑन सींग दें्स इन दिस कैरेक्टर एंड दैट्स वाई दे लाइक इट वो जो इनोसेंस जो है वो ज़ीरो टू टेन और ये टेन ईयर ओल्ड बॉय का वो फ्रेंड्स का वो जो हैप्पीनेस जो है वो क्या करते हैं कुछ यू नो फील्ड में जाके कुछ खेलते हैं कुछ टीम बना लेते हैं ए, इसको एक पहिया चाहिए होता है तो उसको इनका नीड्स उनका हैप्पीनेस जो है ना छोटे छोटे चीज़ों में है इस कहानी में क्या एलिमेंट्स थे जो आपको पसंद आए जिसे आप, आप आपकी ज़िंदगी में वो इस्तेमाल किए इसमें पर्सनली जो मैं अंश निकाला ये था दो 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 चीज़ें थी एक था मेरा फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को करीब रखना उनसे मैं उनको यू नो टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड वो नहीं करने का इससे सीखा पर्सनली दूसरा ये सीखा कि जो भी करता हूँ इन आगे वो इतना पैशन लगा के अगर किया तो सक्सेस होगा क्योंकि इसमें सारे चैलेंजेस थे मुझे लैंग्वेज uh, नहीं पता था बड़ा uh, काम था 110 सीन्स में 105 सीन्स में था और एक कहानी को uh, क्या शोल्डर करने का जो धैर्य मिला नेक्स्ट जो मैं कैरेक्टर्स किया और जॉब्स भी किया जब चैलेंजिंग uh, लगता था मुझे तो वो याद करता था तो कुछ नामुम मुं, नामुमकिन का बात ही नहीं है सब कुछ मुमकिन है अगर आप आप में भरोसा करो और वर्क में अपना दिल और जान लगा दो ये पहली बार ये आप तीन साल की उम्र से आप एक्ट करना शुरू किए तो कौन आपको एक्टिंग के प्लेटफॉर्म पर लेके गया? <laughs> वो एक आई uh, थिंक uh, एक पॉजिटिव uh, एक्सीडेंट था क्योंकि मेरा फादर मदर दोनों बी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो फोर्स इलेक्ट्रो फोर्स लेंड डिवीजन है यशनपुर में उधर काम करते हैं मेरा फैमिली का कोई एक्टिंग में या आर्ट में या सिंगिंग कुछ में कोई भी संबंध नहीं है उनका एक कोलीग था थे वो आ, 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 पार्ट टाइम प्रोडक्शन मैनेजर थे तो आ, उनको एक बच्चा चाहिए था दो दिन का तीन दिन का शूटिंग के लिए जो बात कर सकता था और कुछ नहीं था वो रिक्वायरमेंट इतना ही था और मैं एक उधर क्रश में मैं रहता था मेरा वर्किंग मदर है तो मैं उधर ही रहता था तो कपल ऑफ टाइम्स ही हैड सीन मी सो सेड ही स्पीक्स एनी वे वो बात तो करता है तो उसको लेके जाके एक रोल करा देते हैं कुछ जाता नहीं है एक्सपोजर मिल जाएगा बच्चे को बस ये था मेरा पहला सिनेमा अजीत करके सेवेंटी नाइन में वो एक फिल्म तीन फिल्म में बदले तीन चार में पाँच में दस में और सिक्सटी प्लस मूवीज हो गए तो आप किस लिए पिक्चर मतलब फिल्म इंडस्ट्री से निकल गए मेरा अच्छा कोइंसिडेंस हुआ मेरा टेंथ पी का जो एग्ज़ाम टाइम था मैं भी ग्रो हो रहा था फेशियल चेंजेस बॉडी चेंजेस हो रहा था तो मेरा जो लास्ट कनाडा फिल्म है और एक तेलुगु फिल्म भी किया के विश्वनाथ जी के साथ वो बड़े बहुत बड़े डायरेक्टर तो ये दोनों सुपरहिट हो गए मेरा काम में भी मेरा बहुत बहुत अप्रिशिएशन आए अवार्ड्स आए तो मैंने सोचा ये अच्छा टाइम है एक ब्रेक ले लेता हूँ मैं एजुकेशन फिनिश करूंगा मेरा ग्रोथ भी हो जाएगा मैं ऐसा वो ऑक्र टीनेजर नाक बड़ा है कान बड़ा है ऐसा नहीं दिखूँगा और बनने के बाद वो बड़े होने के बाद मैं वापस आके देखूँगा क्या चैलेंजेस कुछ रोल्स मिलता है नहीं कैसा चेंज हुआ होगा ऐसा सोच के मैं ब्रेक लिया ऐसा नहीं कि मैं नहीं थक गया मैं फिनिश कर दिया वैसा नहीं लिया था इन ट्रूथ दो आई कैन मेक इट साउंड गुड दैट आई स्टॉप नो आई टुक अ ब्रेक एक्चुअली बट जब मैं वेन आई फिनिश माई एजुकेशन एक एड एजेंसी में एक अपॉर्चुनिटी मिला फिर आई टी रेवोल्यूशन हो रहा था 98, 99 में उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिला कंटेंट राइटर बिकॉज आई हैव डन माई एक्नॉमिक इंग्लिश लिटरेचर सो कंटेंट राइटिंग के लिए गया मैं मुझे नॉर्मल लाइफ कैसा था वो पता ही नहीं था 9:30 थर्टी टू फाइव घर भी जा सकता हूँ संडे भी मैं घर रह सकता हूँ एक रोड में जाके एक स्टॉल में कुछ मसाल पूरी खा सकता हूँ ये सब मुझे एलियन कॉन्सेप्ट थे तब तक क्योंकि मैं छोटे से मैं शूटिंग स्कूल घर शूटिंग स्कूल घर ऐसा ही मेरा लाइफ था तो ये बहुत बहुत एंजॉय करने लगा मैं अच्छा दर इज समथिंग डिफाइंड इन लाइफ लाइक आई आई कैन प्लान समथिंग कुछ ट्रिप जा सकता हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ कहीं जा सकता हूँ ये सब नए चीज़ थे मुझे बहुत अच्छे लगने लगे और फिर एक अपॉर्चुनिटी हुआ वह मुझे कुछ कर दिखाने का कुछ अपॉर्चुनिटी मिला वो था नाइन में हमने एक चैलेंज लिया सर मैं मे, मैं जब पास हुआ टेंथ और पी वो रिजल्ट देखने में बहुत कष्ट हुआ मुझे वो कहीं जाके वो सेंटर में है कोई छोटा लिख दिया है कोई फाड़ दिया है उसको इंटरनेट में क्यों नहीं डाल सकते हैं तो हमने एक वो जिस समय जो कंपनी में का, काम करता था वो इंकरेज किया मुझे जाके देखो कर सकते हैं तो करो तो हमने फर्स्ट टाइम एंटायर इंडिया में एस एस एल सी पी यू सी डिप्लोमा डिग्री रिजल्ट लगाए इंटरनेट में तो आप कभी ये सोचे हैं कि फिर एक डेज़ मालु, का और एक, एक रीमेक कर सकते हैं जैसा मैं मैं अपना वो मास्टर मंजुनाथ का वो नाम को टच नहीं करना चाहता हूँ वैसे ही ये एक यूनिक पीस है इसको अगर टच नहीं किया तो बहुत अच्छा रहेगा उससे इंस्पायर होके आज का जो रेलेवेंस है उसमें आप एक और मालगुड़ी बना सकते हैं मैं वो नहीं बना सकते हैं वो है वो था वो यू नो वो क्या बोलते हैं स्टार्स अलाइन होने थे हो गए अच्छा आ गया